भाइयों बहनों और देश के 130 करोड़ देशवासियों, मेरा भाषण ही आपके लिए राशन है। दोस्तों जोहार। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संदेश कुछ इसी तरह का था। आप सभी ने सुना होगा, मैंने भी सुना, इसलिए मुझे लगा कि आज उस पर जो है कि हमें बात करना चाहिए। आज ऐसा कुछ उन्होंने तूफानी नहीं किया, हालांकि वो हमेशा कुछ तूफानी करने के लिए आते हैं कि आज हम तूफानी करते हैं इस टाइप का, लेकिन आज वो राष्ट्र के नाम संबोधन किए। लोगों को उम्मीद थी, हम सभी लोग जान रहे थे कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा, लेकिन आज लॉकडाउन की जब घोषणा करेंगे, लॉकडाउन का दूसरा फेज का जब घोषणा करेंगे, तो वो कुछ खास तैयारी के साथ, एक रोड मैप के साथ आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज जब उन्होंने बात किया, उसमें पहली बात उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि जब देश में कोरोना का एक भी केस नहीं था, तब से जो है एयरपोर्ट में हम लोग जो है बाहर से, विदेशों से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग कर रहे थे। वो कुछ हद तक सही है, लेकिन यह संपूर्ण सत्य नहीं है। सवाल उठता है, जब सरकार जो है पहले से तैयार थी, सरकार पहले से सचेत थी और वो तेजी से काम कर रही थी, तो फिर तबलीग जमात वाले लोग पूरे देश में किस तरह से कोरोना संक्रमण फैलाए, उनको पकड़ा क्यों नहीं गया? क्या स्क्रीनिंग मशीन जो थे वो काम नहीं कर रहे थे, या जो लोग स्क्रीनिंग कर रहे थे उन्होंने सही से काम नहीं किया? अब कैबिनेट सचिव है, उन्हीं का कैबिनेट सचिव है राजीव गौबा, उनका पत्र जो है, उन्होंने राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है 24 मार्च को। उस पत्र में वो यह कह रहे हैं कि 18 जनवरी से 23 मार्च तक विदेशों से 15 लाख यात्री आए, और इन यात्रियों की ना सही से जांच की गई और ना ही मॉनिटरिंग की गई। वो यह भी कह रहे हैं जो जांच और मॉनिटरिंग का जो आंकड़ा है उसमें भारी फेरबदल है। क्या जो सरकार इतना सजग है, इतना तेजी से काम कर रही है, वो सरकार इतना लापरवाह होगी? यदि सही से जांच किया गया होता तो तबलीग जमात वाले कोरोना को पूरे देश में नहीं फैलाने पाते, नहीं फैला सकते थे। कैसे उन लोग जो है कि सभी जगह पे घूमते रहे? दूसरा उन्होंने दावा किया कि कोरोना के खिलाफ जंग में भारत जो है पश्चिमी देशों से बहुत आगे है। ऐसा वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है कि लड़ाई जीत रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जो दावा कर रहे हैं कि हम लोग कोरोना के जंग में जो है कि काफ़ी आगे हैं या हमारी स्थिति काफ़ी अच्छी है, इसकी ज़मीनी सच्चाई क्या है? आज तक देश में मात्र 2,06,212 लोगों की जांच की गई है। आप सोचिए कि जिस देश की जनसंख्या 130 करोड़ है, और कैबिनेट सचिव कह रहे हैं कि 15 लाख लोग बाहर से आए, लेकिन सिर्फ जांच कितने लोगों की हुई है? 2,06,212। फिर प्रधानमंत्री कैसे दावा कर रहे हैं कि हमारी स्थिति जो है कि बेहतर है? हाँ, कोरोना संक्रमण उस तरीके से नहीं फैला जिस तरीके से पश्चिमी देशों में फैला। उसका कारण है, उसका मौलिक कारण है कि हम भारतीयों का इम्यून सिस्टम जो है बहुत अच्छा है, रोगों से लड़ने का क्षमता, जिसको प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, वो काफ़ी अच्छा है, और पश्चिमी देशों के लोगों का इम्यून सिस्टम काफ़ी कमज़ोर है, इसलिए उनको जो है कि बहुत तेज़ी से प्रभावित किया है कोरोना ने। अगर वही इम्यून सिस्टम हमारा खराब होता तो यहाँ की क्या स्थिति होती आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अब थोड़ा हम उससे भी आगे आंकड़ों में देखें, जब
भारत के प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि हमारी स्थिति पश्चिमी देशों से बेहतर है, तो हमें यह भी देखना चाहिए, या वो यह भी दावा करते हैं कि हमारी सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है, तो तेजी जांच में दिखनी चाहिए। जांच में क्या दिखता है? जांच का आंकड़ा कुछ मैं 10 देशों का रख रहा हूँ, उसमें भारत भी शामिल है, और इसमें खासकर पश्चिमी देश, क्योंकि वो दावा कर रहे हैं कि हम पश्चिमी देशों से बहुत अच्छी स्थिति में हैं। अमेरिका ने अब तक 29,43,955 लोगों की जांच की है, जिसमें अगर हम हर 10 लाख पर बात करेंगे तो हर 10 लाख पर उन्होंने 8,894 लोगों की जांच की है। स्पेन ने अब तक 6,00,000 लोगों की जांच की है और हर 10 लाख पर 12,833 लोग। इटली ने अब तक 10,46,910 लोगों की जांच की है और हर 10 लाख पर 17,315 लोगों की जांच हुई है। फ्रांस ने अब तक 3,33,807 लोगों की जांच की है और हर 10 लाख पर 5,114 लोग हैं। जर्मनी ने अब तक 13,17,887 लोगों की जांच की है और प्रति 10 लाख पर 15,730 लोग हैं। ब्रिटेन ने अब तक 3,67,667 लोगों की जांच की है, जिसमें पर 10 लाख पर 5,416 लोग हैं। स्विट्जरलैंड ने अब तक 1,93,800 लोगों की जांच की है और प्रति 10 लाख पर 22,393 हैं। कनाडा ने अब तक 4,37,475 लोगों की जांच की है और प्रति 10 लाख पर 11,591 लोग हैं। रूस ने अब तक 13,00,000 लोगों की जांच की है और प्रति 10 लाख पर 8,908 है। भारत ने अब तक मात्र 2,06,212 लोगों की जांच की है और प्रति 10 लाख पर मात्र 149 लोगों की जांच हुई है। आप कल्पना कीजिए, पश्चिमी देश जिनकी जनसंख्या कम है, वो लोग जो है कि लाखों में लोगों की जांच कर रहे हैं। हमारे देश में जहां 130 करोड़ जनसंख्या है, वहां मात्र 2,06,212 लोगों की जांच हुई है और प्रति 10 लाख में मात्र 149 लोगों की जांच हुई है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हम जो है कि पश्चिमी देशों से बेहतर स्थिति में हैं? यदि पश्चिमी देशों की भांति यहां कोरोना ने संक्रमण फैलाया होता, हमारी इम्यून सिस्टम अच्छी नहीं होती, तब हम कहां होते? लाखों में लोग अभी तक मर चुके होते हमारे देश में। जमीनी हालत ये होती कि हमारे पास जलाने दफनाने के लिए जो है कि जगह नहीं होता। इसलिए जो है गंभीरता से बात करना चाहिए। तीसरा एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा कि हमारे पास आप 220 लैब हैं, 1,00,000 बेड हैं और 600 हॉस्पिटल जो है कि सिर्फ कोरोना के खिलाफ काम कर रहे हैं। अगर इस बात को थोड़ा सा वेरीफाई करेंगे, कल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दो राष्ट्रीय टीवी चैनलों में जो इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू को आप गौर से सुनेंगे और प्रधानमंत्री जो दावा कर रहे हैं उसको मैच करेंगे, तो दोनों में जो है कि काफी अंतर मिलता है। हेमंत सोरेन का दावा है कि उन्होंने कहा कल कि केंद्र से पीपीई किट और टेस्टिंग किट आने में काफी समय लग रहा है। वो कह रहे हैं जांच किट उनको 25,000 चाहिए, उन्होंने 25,000 की मांग की है, लेकिन अभी मात्र 10,000 के आसपास है। उन्होंने कई बातें की, सब चीज मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन एक बहुत मार्केबल बात किया है जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि स्थिति क्या है। हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारे पास AK-47 है लेकिन गोली गायब है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि उनके पास जो चीज़ें खासकर जांच किट, मास्क जो है, सैनिटाइजर है या और भी PPE किट और ज़रूरत चीज़ें हैं, वो गायब है। थर्मल स्कैनर की बात उन्होंने की, रैपिड टेस्टिंग किट की बात की, ये सब गायब हैं। क्यों गायब हैं? आपको मैं यह भी बताना चाहता हूं कि भारत ने चीन से 4,00,000 रैपिड टेस्टिंग किट मंगाया था।
लेकिन रास्ते से अमेरिका जो है कि उसको कब्जा करके अपने पास लेके चला गया। क्यों ऐसा हुआ? क्या प्रधानमंत्री जी इसको लेके जवाब देंगे क्यों ऐसा हो रहा है? अब साथियों, इसमें सबसे और एक जो महत्वपूर्ण बात है वो है गरीब और मजदूरों की स्थिति को लेकर। करोड़ों मजदूर और गरीब बहुत मुश्किल में है, और एक तरह से हम कह सकते हैं कि कोरोना ने देश की असली स्थिति, असली तस्वीर को दुनिया के सामने रख दिया है। आप सोचिए, 130 करोड़ हर भाषण में आप सुनते हैं, इस देश की ये स्थिति है कि एक महीना का लॉकडाउन में जो है मजदूरों को खाना नहीं खिला सकते हैं। सोचिए, यदि 6 महीने तक लॉकडाउन करना पड़ा तब क्या होगा? क्योंकि हमारे पास लॉकडाउन के अलावा कुछ बचा नहीं है, एकमात्र रास्ता लॉकडाउन ही है। मैंने तस्वीर आपके सामने रख दिया है, तो ये सोचना पड़ेगा कि इस देश में जो राजनीति होती है किसके लिए होती है? गरीब लोग इतना दिन से वोट देते आ रहे हैं, 70 साल से ज्यादा हो गया, उसके बाद भी ये स्थिति है कि हम देश के गरीबों को, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को खाना खिला नहीं सकते हैं 6 महीना तक। ये हालत है देश की। अब उनके लिए कोई ठोस आर्थिक पैकेज लाना चाहिए था प्रधानमंत्री को, लेकिन उन्होंने कोई ठोस आर्थिक पैकेज नहीं लाया। उल्टा क्या कर दिया उन्होंने? बड़ी बड़ी बातें की उन्होंने, कहा आप लोगों ने त्याग किया है, तपस्या किया है। वो क्यों ऐसे कहना चाह रहे थे? उनको सीधे कहना चाहिए था कि आप लोगों ने कोरोना के खिलाफ संघर्ष में ताली बजाया, थाली बजाया, दिया बत्ती जलाया। अब और एक काम वो दे दिए, गरीबों को हमारी देश की सरकार खाना नहीं खिला सकती है, इसलिए वो कह गए कि आप लोग जो है कि गरीबों का देखभाल कीजिए और उनको खाना खिलाइए। क्या हम लोग देश में ऐसा नेता चाहते हैं, ऐसा प्रधानमंत्री चाहते हैं जो अपना सारा जवाबदेही जो है कि जनता पर थोप दे और शब्दों के जाल में फंसा के जो है कि वोट ले लें? सोचने वाली बात है। इसके अलावा और एक गंभीर बात जिसके बारे में मैं बार बार इंगित करता रहता हूँ, देश में धर्म के आधार पर नफरत जो है कि जबरदस्त फैल रही है। तबलीग जमात को लेकर आपने देखा होगा, देश के राष्ट्रीय चैनलों ने यहाँ तक कहा कि यही तबलीग जमात वाले जो है देश में कोरोना फैला रहे हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ऐसे माहौल बना दिया कि पूरे तबलीग जमात, ना सिर्फ तबलीग जमात के लोग, पूरे देश के मुसलमानों को कोरोना के लिए जिम्मेवार माना गया। आज परिस्थिति कैसे पैदा हो गई, गांव-गांव में कहे मुस्लिम लोग कोई इलाके में राहत सामग्री भी दे रहे हैं तो उनको लोग नहीं ले रहे हैं, कई जगह पे पोस्टर चिपका रहे हैं, वॉल राइटिंग कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि वहां जाए कि मुस्लिम व्यापारियों का आना प्रतिबंध है। क्यों ऐसा नफरत? तो जो राष्ट्रीय चैनल देश में धर्म के आधार पर नफरत फैला रहे हैं उसको लेकर प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा? क्या उनको इसको लेकर कुछ नहीं बोलना चाहिए था? अब लॉकडाउन को लेकर उनके पास एक ही था, लॉकडाउन करना है। और इस समय में उन्होंने यह भी कहा, पिछले दिन ही इस बात को मैंने ध्यान दिया था जब प्रधानमंत्री आए थे, पिछले बार मुख्यमंत्रियों का जब वो कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब उन्होंने, आपने देखा होगा कि वो मास्क लगा के नहीं आए, बल्कि एक जो है कि कपड़ा को मास्क के रूप में बना के आए थे। तभी से वो संदेश देना चाह रहे थे कि हमारा देश इतना कंगाल हो चुका कि हम मास्क भी नहीं दे सकते हैं आपको, आपके घरों में जो कपड़े हैं उसको मास्क बना लीजिए। आज फिर से वो बात उन्होंने वही कहा कि घर में घर का बनाया हुआ मास्क आप लगाइए, घर में रहिए। उनका मूल संदेश को अगर हम क्रिटिकली देखेंगे तो उनका यही कहना है कि भाई सरकार कुछ नहीं कर सकती है, आप अपने घरों में बंद रहिए, वही एक रास्ता है। और जांच जिस तरह से चल रही है आप देख ही रहे हैं, डेटा तो वही कह रहा है। और मैं यह भी देख रहा हूं मीडिया के लोग
गजब की भूमिका में है। चीन पत्रकारों का काम होना चाहिए सरकार से सवाल पूछना, प्रधानमंत्री से सवाल पूछना कि लोग जो है अपने घरों में अपना कपड़ा को मास्क के रूप में उपयोग क्यों करें, क्या सरकार मास्क उपलब्ध नहीं करा सकती है। उनको सवाल पूछना चाहिए कि आपने गरीबों के लिए, करोड़ों मजदूरों के लिए कौन सा पैकेज तैयार किया है, आपका रोड मैप क्या है कोरोना को खत्म करने के लिए। सवाल पूछने के बजाय ये गोदी मीडिया, मोदी मीडिया नौटंकी कर रहे हैं। इसीलिए साथियों, हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खड़ा होकर सवाल करना पड़ेगा, सोशल मीडिया में और दूसरे माध्यम में उससे सवाल उठाना पड़ेगा, क्योंकि यह देख लीजिए बहुत स्पष्ट हो चुका है इस देश में कि गोदी मीडिया और मोदी मीडिया कभी भी देश का भला नहीं करेंगे, वो सवाल नहीं पूछने वाले हैं केंद्र सरकार से या राज्य सरकारों से। इसलिए हमें और आपको ही सवाल पूछना पड़ेगा। कुल मिलाकर मैं आज के राष्ट्र के नाम संदेश से यही कहना चाहता हूं आपको कि आपको कोरोना के खिलाफ खुद ही लड़ना पड़ेगा। लॉकडाउन को मानिए, उसके अलावा प्रधानमंत्री ने सोशल डिस्टेंसिंग की बात की, लेकिन मैं उसको फिजिकल डिस्टेंसिंग कहूंगा, सामाजिक अलगाव नहीं शारीरिक अलगाव। आप लोगों से शारीरिक अलगाव बरकरार रखिए और आपके आसपास जितने भी गरीब लोग हैं जितना आप मदद कर सकते हैं उतना मदद कीजिए, सरकार से उम्मीद मत कीजिए। सरकार ने, आज प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि आप गरीबों का देखभाल कीजिए, उनको खाना खिलाइए। सरकार चूंकि हमारा करोड़ों रुपया को कहाँ खर्च किए, प्रधानमंत्री ने एक बात यह भी कहा कि संसाधन की कमी है। क्यों संसाधन की कमी हो गई इस देश में? संसाधन की कमी इसलिए हो गई है कि 3,000 करोड़ रुपया सरदार पटेल की मूर्ति बनाने में खर्च किया उन्होंने, 1,500 करोड़ रुपया जो है वो अपना चेहरा चमकाने के लिए उन्होंने मीडिया में खर्च किया, उसके अलावा अरबों रुपये जो है इस देश का उन्होंने पूंजीपतियों के खजाना में, उनके पॉकेट में डाल दिया। तो पैसा कहाँ से रहेगा? हमारे टैक्स का पैसा का सरकार बंदर बांट कर रही है और हमें बेवकूफ बना रही है, हमें ताली बजवा के, थाली बजवा के, कभी दिया बत्ती जलवा के, और आप जो है कि घर में मास्क बनाने का, गरीबों का जो देखभाल करने का और गरीबों का खाना खिलाने का, और जो है कि बड़ा बड़ा शब्द आप तपस्या कर रहे हैं, आप फलाना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं बोल के हम लोगों को गुमराह कर रही है साथियों। इसलिए ऐसा सरकार को हमें निरंतर सवाल करना पड़ेगा। अगर हम सवाल नहीं करेंगे तो इस देश में कुछ भी नहीं बचेगा, हम कोरोना के खिलाफ भी लड़ाई में नहीं जीत सकते हैं। क्योंकि अगर स्टेज 3 में कोरोना आया, ऐसा ना हो, लेकिन यदि स्टेज 3 में कोरोना आया तो आप समझ लीजिए हमारे देश में तबाही मच जाएगी। इसीलिए मेरा भी निवेदन है आपसे, इस देश की सरकार से कुछ अपेक्षा मत कीजिए, अपने तरीके से जितना हम कर सकते हैं लॉकडाउन का पालन करें, शारीरिक अलगाव का पालन करें, और जितना आसपास के लोगों को हम मदद कर सकते हैं मदद करें। यही कोरोना से लड़ने का असली जो है कि उपाय होगा। लेकिन एक बात ना भूलें, हम इस देश की सरकार को मजबूर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जांच करें, क्योंकि सरकार को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार।